आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 1 मई के ईश्वर वरदान में। तो कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि परमात्मा से कोई हमें मदद मिले, कोई शक्ति मिले, कोई गुण मिले, कोई आइडिया मिले, कोई इशारा मिले, कोई संकेत मिले, कोई टचिंग हो हमें, ताकि हम अपने जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाए। क्या ये पॉसिबल है कि हम परमात्मा से ये टचिंग ले पाए, परमात्मा से हम ये कनेक्शन कर पाए? बिल्कुल 100% क्या अनगिनत इन्फिनिट टाइम्स पॉसिबल है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं जो कि आज हम यहाँ पर सुनेंगे परमात्मा के अपने ही महावाक्यों से। तो आज के वरदान में परमात्मा कहते हैं, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर है डिवाइन इंटेलेक्ट। जो बुद्धि दिव्य होती है उसके अंदर किसी के प्रति कोई नफरत नहीं होती, चाहे इंसान आपसे कुछ छीन भी ले, आपके ऊपर कुछ लालचन भी लगा दे, आपसे घिनौनी तरीके से बर्ताव करे, आपको गलत बोले, आपके अंदर खोट ढूंढे, लेकिन आपके अंदर दिव्यता। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी नहीं कि उस इंसान ने किया तो मैं भी क्यों ना करूं। ये इसलिए जरूरी है कि मुझे देखने वाला, मुझे भेजने वाला कौन है? यहाँ पर परमात्मा पिता। उनकी नजर में मैं सदा दिव्य रहूं, चाहे फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे ये शरीर भी छूट जाए, लेकिन मेरे अंदर किसी के प्रति वो गंदे संकल्प, नॉर्मल लोगों के जैसे संकल्प मेरे अंदर नहीं आ सकते। नॉर्मल लोग कौन हो गए? जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है, जिन्होंने विद्या नहीं ग्रहण करी है, जिनके अंदर भावनाएं भगवान के प्रति नहीं है, वो नॉर्मल आत्मा हुई। कलयुग की नॉर्मल आत्माएं जिनके अंदर अभी कुछ गलत हुआ बदला ले लिया, अभी किसी ने कुछ गलत किया फटाक से आंसर दे दिया, ये नॉर्मल हो गया, जिसको कहेंगे हम विकारों से गृहस्थ आत्माएं। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जिन आत्माओं ने दिव्यता को धारण किया है, जो परमात्मा देते हैं, उन आत्माओं को बल मिलता है। तो दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। अब टचिंग क्या क्या हो जाती है इसमें? जैसे पशु पक्षी जो होते हैं उनको टचिंग होती है, भूकंप आने से पहले उनको पता लगता है, या कोई बहुत बड़ा कुछ अगर सुनामी आने वाला है तो उनको पहले ही टच हो जाता है, उनको फीलिंग आती है और वो फिर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं पशु पक्षी। हमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपवित्र बुद्धि के कारण, जिसमें हमारा लोभ होता है, अहंकार होता है, कामवासना के संकल्प होते हैं, ईर्ष्या घृणा के संकल्प होते हैं, जो कि पशुओं में नहीं होते हैं, थोड़े कम होते हैं, बहुत ही स्तर पर कम होते हैं, लेकिन हम मनुष्यों के अंदर ये बहुत ज्यादा 100 कहें तो उसमें से 95-99% होते हैं हमारे अंदर। इस कारण से हम 5 तत्वों के साथ भी जुड़े नहीं होते हैं, जिस कारण से बीमारियां आती हैं। ये टॉपिक अलग टॉपिक है, लेकिन समझने की बात है। तो दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव, और क्या क्या टचिंग? सेकंड, भूकंप की टचिंग नहीं, जलाशय की टचिंग नहीं, आपको इतना भी टचिंग हो जाएगी कि आने वाले समय में किसका फोन आने वाला है, आने वाले समय में कौन आने वाला है, कौन आपको याद कर रहा है, कौन सी आत्मा आपके बारे में क्या सोच रही है, इतना तक आपको फीलिंग आ जाएगी। इतनी बड़ी ताकत है, आप उसके पहले ही रेडी हो जाओगे, मतलब कि आपके लाइफ के टेस्ट पेपर आने वाले हैं और उसके पहले ही आप क्या हो? रेडी हो। कितना अच्छा है। तो ये सब कुछ ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें सिखाया जाता है दिव्य बुद्धि के लिए। अब चलते हैं विस्तार में वरदान में, परमात्मा इसका विस्तार करते हैं। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियां कैच कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। परमात्मा से सारी शक्तियां, इससे मैं परमात्मा में सहन करूं, सामना करूं, जो कि हमारा संडे का टॉपिक था। अगर आपने नहीं सुना संडे का टॉपिक, लाइव वीडियोस में क्लिक करें, वहां पर हमारा संडे का टॉपिक ये था, फेस करें कि टॉलरेट करें। बहुत सुंदर, बहुत गहरा टॉपिक था। तो परमात्मा हमें शक्तियां देते हैं कि अभी निर्णय नहीं ले सकते, अभी चुप हो जाओ, अभी बोलो, अभी नहीं करो। ये सब कुछ अगर परमात्मा जो हमारा पिता है हमें गाइड करे जैसे बच्चे जैसे, तो वो शक्तियां कैसे मिलेंगी? दिव्य बुद्धि के द्वारा। जैसे साइंस बुद्धि बल है, साइंस की भी बुद्धि बल है, उसमें भी बहुत सारे आविष्कार करते हैं, चुप साइलेंस में चले जाते हैं, और फॉर बहुत सारे अंडरग्राउंड जाकर के साइंटिस्ट चुपचाप किसी से नहीं मिलते, कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं करते, और बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं और अपना क्या करते हैं, सारे ज्ञान व्यान को अपने ग्रहण करके उस पर लिखित में फॉर्मूलाज निकाल करके क्या क्या नहीं निकालते, क्या क्या डिस्कवरीज नहीं करते, इन्वेंशन करते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। 5 एलिमेंट्स 5 तत्वों के साथ ही उनका जोड़ रहता है। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है, दोनों में कितना डिफरेंस है? बल है जो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। परमात्मा से क्या प्राप्ति होती है? देखो वो सब कुछ कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जितनी भी इन्वेंशन कर रहे हैं, वो शरीर के सुख देने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो एरोप्लेन होते हैं, चाहे वो कुछ इन्वेंशन करते हैं, सुख देने वाले गैजेट्स इन्वेंट करते हैं, वो सारे शरीर को सुख देते हैं, लेकिन मन को, यस, उसके लिए दिव्य बुद्धि।
दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। परमात्मा प्योर टचिंग, उसके लिए हम कैसे होने चाहिए? हमारी वाइब्रेशन परमात्मा की वाइब्रेशन अगर ऐसी होगी तो नहीं होगा। हमें भी परमात्मा की वाइब्रेशन में दिव्य बुद्धि मतलब प्योर इंटेलेक्ट रखनी चाहिए। कोई कार्य को सफल करना है जिससे हम कार्य करवा रहे हैं उससे अगर हम घृणा रखें तो कार्य कैसे सफल होगा? आजू बाजू लोगों से घृणा रखें तो कार्य कैसे सफल होगा? विघ्न आएंगे ही आएंगे। तो हमें हर एक के प्रति अच्छे संकल्प, बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, भगवान के बच्चे हैं, पवित्र है, बहुत ही अच्छे हैं, अनजान है लेकिन बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, बहुत ही गुणवान है, बहुत ही शांत है, बहुत पवित्र है, बहुत सुखी है, सुखी रहे, शांत रहे, संतुष्ट रहे वो। ये हमारे अंदर दिल से निकले दुआएं उनके लिए। ट्राई करिएगा, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आपको अनुभव होगा कि उनके मुख पर मुस्कान होगी आपसे मिलते हुए। अगर नहीं है तो आपके दिल से नहीं हो रहा है। फिर परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। अगर हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई खोटी नहीं है, अपवित्रता नहीं है, तो वो इंसान आपके बारे में जैसे भी सोचे लेकिन आप मुस्कुरा रहे होंगे, आपके अंदर उसके प्रति घृणा, नफरत, बदले लेने की भावना होगी नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि कैसी है? दिव्य है। ये किसको सुकून देती है, किसको सुख देती है, ये किसको शांति देती है, आप सोच सकते हैं? आपको ही देती है। तो दिव्य बुद्धि परमात्मा देते हैं, परमात्मा दिव्य बुद्धि बांट रहे हैं, यानी कि कोई उठा करके बुद्धि दे रहे हैं वो नहीं, बांट रहे मतलब ज्ञान के द्वारा बांट रहे हैं कि कैसे इसको बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए। बुद्धि तो आपकी है, बुद्धि मेरी है, उसको प्योर डिवाइन कैसे बनाया जाए। ब्रह्मा कुमारी इसमें आइए, सीखिए इस विद्या को। ओम शांति इसके साथ।